ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ड्रामा। बाबा कहे, बाबा को इतना निश्चय है ड्रामा पर कि हर बात एक्यूरेट हो रही है। बच्चों को भी ऐसा ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए कि जो हो रहा है वह हूबहू वैसा ही रिपीट हो रहा है, परंतु कई बच्चों को इसमें ही निश्चय की कमी हो जाती है और उसके कारण ही प्रश्न करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर देते थे, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। बाबा कहे, जब सब कुछ ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रहा है तो तुम बच्चे ये व्यर्थ संकल्प क्यों चलाते हो? निश्चय में अटल हो जाओ, अर्थात ड्रामा के प्रति एकदम अटल निश्चय बुद्धि बनो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे, जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए मुख से निकलता है, ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते हैं, बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है, तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है, तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहां से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। ब्रह्मा बाबा कहे, मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त, तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं, सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं, बाप ने समझाया है तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो। सारा ज्ञान बाबा आकर के समझाते हैं कि क्या हुआ था। पहले पहले हम ही सबसे
पहले बाबा से बिछड़े, तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है, कहां से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है, किसकी मरम्मत करानी है। जरूर अंदर में फुरना मना चिंता लगने लगती है कि इसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है, और कोई तो इन बातों को समझ न सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे, अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते, बच्चे अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, जरूर है सब तो नई दुनिया में नहीं चलेंगे। जिसने पहले पुरुषार्थ किया होगा वही अब भी करेंगे और चलेंगे। सब मुक्ति धाम में बैठ जाए यह भी कायदा नहीं, प्रलय हो जाए ऐसा भी नहीं होता है कि कोई भी यहां नहीं रहेगा। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पड़ते रहते हैं। बाबा कहे, कोई भी अच्छे कार्य करने जाओ तो जरूर है उसमें विघ्न तो पड़ेंगे ही, कल्प के बाद भी पड़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो। बाबा हर एक बात कितनी क्लियर करके अच्छी तरह से समझाते हैं। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है। जो बाबा ने समझाया समझना है और सिमरण करना यानी चिंतन करना है, और फिर चिंतन करके दूसरों को भी पढ़ाना है, टीचर बनना है। जरूर नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते हैं, फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है, एक टीचर क्या कर सकते हैं। तुम सब हो रूहानी टीचर। सबसे बड़ी विशेषता बाबा के इस यज्ञ की है कि बाबा ने एक एक को अपने समान बनाया, टीचर बनाया। अर्थात जो भी बाबा का बच्चा निश्चय बुद्धि हो जाता है वो जरूर दूसरों को समझाने लायक हो ही जाता है। दूसरी जगह पर कोई अपने जैसा भी नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है, बाबा कहे तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्य को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से,
फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है, बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबरवार है, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है, सब एक जैसे तो हो न सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने पर मत पर क्या किया, यहां तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहां भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा, यह ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। बाबा कहे मेरे भक्तों को जाकर समझाओ। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं गई टाड़े पर मना आग लेने, और मालिक होकर बैठ गई। दुनिया में कहावत है गई टाड़े पर मना आग लेने गई और मालिक होकर बैठ गई। यह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है, है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों को किसी के साथ शास्त्रार्थ यानी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाकी मन मना भाव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। माम एकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी गारंटी कोई दूसरा ले नहीं सकता। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो माम एकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते हैं,
बच्चों की कभी कभी शिकायत होती, बाबा हम योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? प्रेम से याद करना है, योग कहने से ही तुम भूलते हो। बाबा कहे, योग शब्द कहने से ही तुम भूलते भी हो, बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? यह भी माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं, बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तब करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। शिव बाबा कहते, भगवान उवाच, ये शास्त्र पढ़ने जब तब करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या, बाबा कही, ये भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहां भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं, श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते? भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं, जो मनुष्य का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, यह एक रसम पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं, परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहां भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर, वास्तव में वह एक ही है, जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। वह तुमको कहते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी ज्योत अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्य को लाइट देखने में आती है। अंतिम समय बाबा कहे, जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना लोगों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराने से भी आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे जो लास्ट में आकर के भी फास्ट चले जाएंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही, विघ्न भी पड़ते हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहां विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके, समझाने कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, यह है संगम। दुनिया बदल रही है,
स्थापना पालना विनाश कराने वाला कौन? एक बाप है। है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती है, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। बाबा कहे बाकी सब बातें बुद्धि में याद रहती, ज्ञान योग की बातें भूल जाती है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो, दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी, कल्प पहले मिसली तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, ये नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं है। इसीलिए ऐसी विचार मन में आते रहते हैं ड्रामा के प्रति, कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे, यहां फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहां झूठ भी चल न सके। नारद का मिसाल, चार्ट से फायदा बहुत है। अपने को देखना, नारद का मिसाल है कि अपना मुखड़ा पहले देखो, तो बाबा कहे वास्तव में चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है, ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल न हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राज योगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। आज का स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। आज का अव्यक्ति, साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते,
सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। बाबा इसलिए कहे ये अभ्यास जरूर करते रहना है, तभी हम विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।